गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग पेपर वन जो है थर्ड ईयर का पेपर वन, जिसमें कि दूसरी इकाई में डर्खाइम के जो विचारधारा है और ख़ासकर डर्खाइम का डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, समाज में श्रम विभाजन, उसकी चर्चा कर रहे थे। और कल मैंने आपको मैकेनिकल सॉलिडारिटी यानी कि यांत्रिक एकता या यांत्रिक संश्लिष्टता भी कई किताबों में देखने को मिलता है, तो यांत्रिक संश्लिष्टता के बारे में मैंने उसकी विशेषताओं के बारे में बताया था, किस प्रकार के मानव व्यवहार, मनोविज्ञान, राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था और सामाजिक बंधन किस प्रकार के होते हैं, आर्थिक संगठन ऐसे समाजों के किस प्रकार के होते हैं। और इस संदर्भ में डर्खाइम ने ख़ास तौर से अपराध और कानून के संदर्भ में अपराध की व्यवस्था और दंड की व्यवस्था यांत्रिक श्रम विभाजन के वाले समाजों में, यांत्रिक एकता वाले समाजों में उनके बारे में चर्चा करी थी। अब अपराध यांत्रिक समाजों में कोई भी ऐसा कार्य जो समाज के सोच या विचारधारा या परंपराओं रूढ़ियों के विरुद्ध होता है वो दंड की श्रेणी, वो अपराध की श्रेणी में आता है और उसके उसको ठीक करने के लिए एक कठोर दंड की व्यवस्था होती है, जिसे दमनकारी व्यवस्था कहते हैं, जिससे वो अपराध दोबारा रिपीट नहीं हो। क्योंकि जो भी अपराध, कोई भी ऐसा कार्य चाहे वो छोटे से छोटा कार्य हो, वो समाज के विरुद्ध अपराध होता है, न कि व्यक्ति विशेष के विरुद्ध अपराध। सभी समाजों में दंड की और अपराध के लिए दिए जाने वाले दंड की कुछ ना कुछ व्यवस्था होती है। जब अपराध सामूहिक चेतना का उल्लंघन माना जाए उसे हम यांत्रिक समाज में अपराध मानते हैं। ये सामाजिक नैतिकता के विरुद्ध आचरण माना जाता है। और इसमें ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण उठता है कि अपराध क्या है। अपराध उन कार्यों को मानते हैं जिसे समूह के सदस्य अनुचित समझते हैं, और वे कार्य जो सामूहिक भावना या सामूहिक चेतना उसको चोट पहुंचाते हैं। एक क्रिया अपराध है जब वो सामान्य अंतर्विवेक की शक्तिशाली और निश्चित अवस्थाओं पर आघात करती है। तो ये अपराध की अवधारणा उसी के संदर्भ में उन्होंने दंड की भी अवधारणा बताई है कि जब कोई व्यक्ति समाज विरोधी कार्य करता है तो समाज उसे दंड देता है। दंड का उद्देश्य यांत्रिक समाजों में, यांत्रिक एकता वाले समाजों में दंड का उद्देश्य प्रतिशोध है, क्योंकि ये कोई भी अपराध जो है वो व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं है बल्कि समाज के विरुद्ध किया गया अपराध है, और इसलिए पूरा समाज उसके दंड में प्रतिभागी होता है। जिस कार्य के लिए समाज दंड देता है वही कार्य अपराध कहलाता है। और जब व्यक्ति समाज के मूल्यों या समाज सम्मत नियमों या अपेक्षित व्यवहार का उल्लंघन करता है तो ये कार्य दंडनीय होता है, जिसकी समाज कभी भी स्वीकृति नहीं दे सकता बल्कि वो उसका प्रतिशोध करता है। दंड का उद्देश्य समाज के मूल्यों को पुनर्स्थापित करना है और अपराधी को कुचलना है, अपराध और अपराधी दोनों का दमन करना है। इसीलिए ये यहाँ पे दमनकारी कानूनों की व्यवस्था है। अपराध की उपयोगिता ये होती है कि इसके विरुद्ध समूह के लोग संगठित होकर इसका विरोध करते हैं और अपराध उत्तेजित अंतर्विवेक को एक दूसरे के निकट ला देता है और उन्हें एकाग्र कर देता है। तो ये अपराध जो है या और दंड, और ये भी हम देखेंगे कि किस तरह से जो यांत्रिक एकता वाले सरल समाज होते हैं उनमें दंड अपराधों के प्रकार भी बहुत सारे होते हैं। छोटे छोटे अपराध भी, कोई भी ऐसा कार्य जो सामान्य अंतर्विवेक को चोट या ठेस पहुंचाए उसे अपराध की श्रेणी में डाल दिया जाता है और उसका कठोर से कठोर दंड व्यवस्था होती है। दंड सामूहिक अंतर्विवेक को पुष्ट करता है, इसके द्वारा सामूहिक चेतना और सामाजिक व्यवस्था पुनः स्थापित होती है,
उसे ताकत मिलती है और दूसरों की कानून के विरुद्ध कार्य करने की हिम्मत नहीं होती। इसलिए ये जो दंड व्यवस्था है ये बहुत ही कठोर होती है यांत्रिक एकता वाले समाजों में, यानी कि मैकेनिकल सॉलिडारिटी वाले समाजों में। दमनकारी कानून जो है उसके बिल्कुल विपरीत प्रतिकारी कानून है, जो कि हम ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी वाले समाजों में देखते हैं। प्रतिकारी कानून यानी कि व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने का एक तरीका होता है। तो ये सावयवी एकता वाले समाजों में, जहाँ पे संविदा पर आधारित संबंध होते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशंस होते हैं, वहाँ पे प्रतिकारी कानून ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब एक तरफ हमने बात करी मैकेनिकल सॉलिडारिटी यानी कि यांत्रिक एकता की, और दूसरी तरफ डर्खाइम कहते हैं कि जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती है और विशेषीकरण और विशिष्टीकरण, हर एक कार्य का विशेषीकरण बढ़ता चला जाता है, जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि होती है, हमारी आवश्यकताओं में वृद्धि होती है, वैसे वैसे जो समाज है उसमें श्रम विभाजन बढ़ता चला जाता है। और ये श्रम विभाजन जो बढ़ा हुआ श्रम विभाजन है, ये ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी को जन्म देता है, यानी कि सावयवी एकता को। जिस तरह से शरीर जो है एक सावयव के रूप में सब अंग जो हैं अपना विशिष्टीकृत विशेषीकृत कार्य करते हैं, पर वो समाज जीव के योग के स्वस्थ रहने में योगदान देते हैं, उसी तरह से समाज के भी जो सावयवी समाज है, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ कहें, महानगरों वाला वाले जो समाज हैं उनकी बात करें, या विकसित समाज जो हैं उनकी बात करें, तो ऐसे समाजों में भी श्रम विभाजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हम स्वयं नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम लोग अपने अलग अलग कार्यों में को अलग अलग लोग करना शुरू कर देते हैं। उस कार्य में अपना विशेषीकरण आ जाता है, विशिष्टीकरण आ जाता है, हर एक व्यक्ति अपना कार्य जो है वो अच्छी प्रकार से करना शुरू कर देता है, और इसलिए वो नए नए तरीकों की खोज करके उन कार्यों को करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर पहले यातायात जो था या संचार की व्यवस्था, साधन जो थे वो बहुत ही निम्न स्तर के थे। आदिम समाजों में देखें तो यातायात के साधन कुछ लगभग न के बराबर होते हैं, पशुओं पर आधारित के बल पर आधारित होते हैं, जबकि जैसे जैसे समाज में औद्योगिकीकरण बढ़ता है या समाज विकसित होता चला जाता है, वैसे वैसे संचार के व्यवस्था और साधन यातायात के साधनों में भी परिवर्तन आता है। अब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम एरोप्लेन का इस्तेमाल करते हैं। अब एरोप्लेन तो हर कोई व्यक्ति तो एरोप्लेन नहीं बना सकता है, हम कागज़ के प्लेन बना सकते हैं पर हम एरोप्लेन नहीं बना सकते हैं। उसके लिए विशिष्ट इंजीनियर्स होते हैं, गाड़ी बनाने के लिए विशिष्ट ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स होते हैं। तो हर एक काम जो है वो अलग अलग व्यक्ति करते हैं। यातायात भी, यातायात के नियम कौन बनाएगा, यातायात के नियम का उल्लंघन करने पर क्या कार्यवाही होगी, ये भी अलग अलग विशिष्टीकृत समूह जो हैं वो अलग अलग ये कार्य करते हैं। तो सावयवी एकता वाला जो समाज है वो यांत्रिक एकता वाले समाज से बिल्कुल विपरीत है, और इस संदर्भ में डर्खाइम ने ये इसे एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस बोला है कि समाज जो है सरलता से और जटिलता की ओर, जो उद्विकास की जो पद्धति है वो सरल अधिक से अधिक सरलता से अधिक जटिलता की ओर समाज चलता चला जाता है। सावयवी एकता वाले समाज जो हैं वो अधिक जटिल होते हैं, विकसित होते हैं, औद्योगिक होते हैं, और प्रौद्योगिक समाजों में देखने को मिलती है, जैसे नगर, महानगर, औद्योगिक केंद्र इत्यादि। इनमें सदस्यों में सभी क्षेत्रों में विभिन्नता पाई जाती है और
यहाँ पे प्रतिकारी कानून की व्यवस्था देखने को मिलती है। इस भिन्नता का कारण श्रम विभाजन है और विशेषीकरण है। ये समाज जो हैं आकार में बड़े होते हैं, इनकी जनसंख्या और जनसंख्या का घनत्व यांत्रिक समाजों की तुलना में बहुत अधिक होता है। ये बड़े विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में फैले होते हैं और इनके सदस्यों की आवश्यकताएं भी अधिक होती हैं और भिन्न भिन्न होती हैं। ये अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, अंतर निर्भर होते हैं, और यही अंतर निर्भरता समाज में एकता या सावयवी एकता को जन्म देती है। जिस तरह से हमारा हमारा जो स्वस्थ रहना जो है हमारे दिल के नियमित रूप से फंक्शन करने पर डिपेंड करता है, हमारे पाचन तंत्र के माध्यम से हमें पोषण को नियमित करता है, उसी तरह से सारे जिस तरह से अंग जो हैं हमें हमारे जीव को स्वस्थ रखने में योगदान देते हैं, इसी तरह से सावयवी एकता वाले समाज में राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, कानून की व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो सावयव यानी कि समाज रूपी सावयव को स्वस्थ रखने में या उसकी व्यवस्था बनाए रखने में योगदान देती हैं। हमारी जो अलग अलग विशेष भिन्नताएं होती हैं वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम एक दूसरे पर उनकी वजह से निर्भर होते हैं, और व्यक्तियों का स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है। ये सावयवी समाज में एक विषय की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि जहां हमने देखा था कि मैकेनिकल सॉलिडारिटी यानी कि यांत्रिक एकता वाले समाज में व्यक्तिगत जो एक्सप्रेशन है, व्यक्तित्व, हर एक व्यक्ति का जो अपनी कार्य की शैली है वो विकसित नहीं हो पाती थी, क्योंकि वो समाज की शैली पर निर्भर करती थी, कार्य प्रणाली पर निर्भर करती थी। जबकि सावयवी समाज में व्यक्तित्व और व्यक्तिवादिता को बहुत बढ़ावा दिया जाता है। आज भी आप भी देखते हैं कि नए नए तरह के आविष्कार, नए नए तरह की खोजें, नए नए तरह के इनोवेशंस, ये करने में हम लोग को बढ़ावा दिया जाता है सावयवी समाज में, आजकल के समाजों में। इनमें सामूहिक भावना, सामूहिक चेतना का प्रभाव कम हो जाता है और विभिन्न व्यक्ति एक दूसरे पर अप्रत्यक्ष रूप से परस्पर निर्भर होते हैं और एक दूसरे से संबंधित होते हैं। डर्खाइम कहते हैं कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है उसके सदस्यों में श्रम विभाजन बढ़ता है और अलग अलग लोग अलग अलग कार्य करना शुरू कर देते हैं। ये जो कोई भी एक व्यक्ति एक कार्य को बार बार करता है, जैसे आपकी मम्मी खाना बनाती हैं और बार बार खाना बनाती हैं तो वो खाना बनाने में निपुण हो जाती हैं, तो फिर आप ये नहीं कहते कि नहीं आप खाना बनाने नहीं पहुंच जाते, हर बार खाना बनाने नहीं पहुंच जाते, क्योंकि आपको पता है कि वो विशिष्टीकृत कार्य और उनका कार्य करने का तरीका जो है वो विशिष्टीकृत है ना। घर में भी ऐसा ही होता है, और तो बाकी लोग जो हैं उसमें इंटरफेयर नहीं करते, उसमें अपना हस्तक्षेप नहीं करते। तो जो कोई भी व्यक्ति एक कार्य करता है तो वो अपने एक तरीका, नया तरीका विकसित करता है और उस कार्य में उसका विशेषीकरण हो जाता है। ये एक आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए वह कार्य करता है और अपनी अन्य जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए समाज के दूसरे सदस्यों पर निर्भर होता है। ये जो निर्भरता है वो समाज के सदस्यों को सहयोग करने के लिए बाध्य करती है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है कि मम्मी सारा खाना बना के खुद ही खा जाती हैं, वो आपके लिए भी बनाती हैं और
बाकी परिवार के सदस्यों के लिए भी बनाती हैं, और बाकी परिवार के सदस्य उनकी जो जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरी करने में योगदान देते हैं। तो इसी तरह से समाज में भी एक व्यक्ति जो है वो एक कार्य करता है और अपनी अन्य आवश्यकताओं के लिए अन्य समाज के सदस्यों के कार्यों पर निर्भर करता है। ये जो सहयोग है ये बाध्यतामूलक है। यहाँ पे जब हम रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड पढ़ेंगे, यानी कि सामाजिक समाजशास्त्रीय अध्ययन के नियम, जो ये पुस्तक जो लिखी है डर्खाइम ने, उसमें उन्होंने इसको श्रम विभाजन को एक तथ्य के रूप में, एक सामाजिक तथ्य के रूप में देखने की कोशिश करी है। वो कहते हैं कि किस तरह से हमें इसको एक सोशल फैक्ट के रूप में समझना चाहिए। सोशल फैक्ट क्या है? जो समाज ऐसा तथ्य जो हमारे ऊपर बाध्यतामूलक प्रभाव डाले और जो हम जिसको करने के लिए हम स्वतंत्र, मतलब हम स्वतंत्र रूप से उसके ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते, बल्कि वो हमारे व्यवहार के ऊपर प्रभाव डालता है। तो ये जो एकता, इस कारण से जो एकता जन्म लेती है, जो ऐसे विस्तृत श्रम विभाजन से जो एकता जन्म लेती है, उसे सावयवी एकता बोलते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी बोलते हैं। जिस ये उन्होंने इसके जीव का उदाहरण दिया है, जिस तरह से जीव जो है उसके विभिन्न अंगों में श्रम विभाजन, विशेषीकरण, निर्भरता और सहयोग देखने को मिलता है, उसी तरह से समाज रूपी जीव में भी श्रम विभाजन, विशेषीकरण, विशिष्टीकरण और अंतर्निर्भरता और सहयोग देखने को मिलता है। तो डर्खाइम उन समाजों की एकता को सावयवी एकता कहते हैं जिनमें श्रम विभाजन, विशेषीकरण, निर्भरता और सहयोग के गुण पाए जाते हैं। अब यांत्रिक एकता, सॉरी सावयवी एकता वाले समाज की विशेषताएं क्या हैं, उनको हम उनके ऊपर हम ध्यान केंद्रित करेंगे। सबसे पहला मानव व्यवहार और मनोविज्ञान। जहाँ यांत्रिक एकता वाले समाज में मानव व्यवहार स्वतंत्र कार्य करने के लिए सक्षम नहीं था, वहीं सावयवी एकता वाले समाजों में स्वतंत्र इच्छा, व्यक्तिवादिता और व्यक्तिगत सोच, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को पर महत्व दिया जाता है। जटिल समाजों में व्यक्तियों की मानसिक, नैतिक और सामाजिक एकरूपता का कम होती चली जाती है और वैयक्तिकता और विशिष्टता में वृद्धि होती है। यहाँ उनके विश्वास, धारणाएं, मत, तरीके, पसंद, नैतिकता, इनमें कम से कम समानता पाई जाती है। अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के विश्वास, धारणाएं, मत और इच्छाएं और तरीके, काम करने के तरीके रख सकते हैं, रखने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इस वैयक्तिकता का कारण जो है वो श्रम विभाजन है, और विशेषीकरण के कारण परंपराओं में कमी आ जाती है, परंपराओं को फॉलो करने में कमी आ जाती है। यहाँ पे प्रस्थिति जो है वो प्रदत्त से अर्जित की ओर परिवर्तित हो जाती है और परंपरागत बंधन जो हैं वो टूटने लग जाते हैं। इसी तरह से कानून, नैतिकता और सामाजिक नियंत्रण, इन समाजों में, सावयवी समाजों में यांत्रिक समाजों से भिन्न होता है। श्रम विभाजन के प्रभाव से सामाजिक चेतना और सामाजिक अंतर्विवेक की एकरूपता में कमी आ जाती है और अपराधी क्रियाओं में को अब समाज ऐसे ही क्रियाएं ही नहीं माना जाता जो समाज विरोधी हैं, बल्कि वो केवल व्यक्ति को हानि पहुंचाने वाली क्रियाएं जो हैं वो अपराध की श्रेणी में आते हैं। सदस्यों में धार्मिक लक्षणों, विचारों, विश्वासों में कमी आती है।
सारा जो समूह के जो सामूहिक अंतर्विवेक है और चेतना है उसकी प्रति दंड की व्यवस्था नहीं है होती है, बल्कि अपराधी केवल हानि पहुंचाने वाले व्यक्ति की हानि की पूर्ति करता है। तो सामाजिक नियंत्रण सामूहिक उत्तरदायित्व के दृष्टिकोण से थोड़ा शिथिल हो जाता है। केवल कुछ सार्वजनिक क्षेत्रों के व्यवहार ही निश्चित रह जाते हैं और अन्य क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों में प्रत्येक सदस्य को इच्छा अनुसार व्यवहार करने की स्वतंत्रता होती है। वैयक्तिक स्वतंत्रता में बहुत वृद्धि होती है और यहाँ पे कानून जो हैं वो समझौते या और संविदा के आधार पर होते हैं। इसी तरह से सॉलिडारिटी और सोशल टाइज या एकात्मकता और सामाजिक बंधन की बात करें तो जहाँ यांत्रिक एकता वाले समाज होमोजेनाइटी या एकरूपता पर आधारित होते थे, वहीं सावयवी एकता वाले समाज जो हैं वो भिन्नता पर आधारित होते हैं। पर इस भिन्नता से समाज टूटता नहीं है, बल्कि ये भिन्नता श्रम विभाजन को जन्म देती है और इसके कारण सामाजिक एकता पैदा होती है। यहाँ पे एकरूपता और सजातीयता ये कम होती चली जाती है। समाज में इन बंधनों को निभाने की भूमिका को दूसरा नहीं लेता और समाज की व्यवस्था में अगर जहाँ पे एकरूपता नहीं होती तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे अव्यवस्था फैलेगी, पर ये अव्यवस्था नहीं फैलती क्योंकि जो श्रम विभाजन है वो नया बंधन है जो व्यक्तियों को एक बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाता है। ये जो एकता है ये अधिक सुदृढ़ है और ये व्यक्तियों की पारस्परिक निर्भरता पर आधारित है और इसलिए ये ज़्यादा सुदृढ़ है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सॉलिडारिटी है। क्योंकि यहाँ पे अगर एक भी व्यक्ति, अगर जैसे शरीर का एक भी अंग अगर ठीक से काम नहीं करना लगेगा, जैसे आपका पाचन की व्यवस्था अगर ठीक से काम करना नहीं करने बंद कर देगी तो उसका प्रभाव आपके शरीर के अन्य अंगों पर भी पड़ता है। इसीलिए हर व्यवस्था को अपना अपना निश्चित निर्धारित कार्य करना और अन्य व्यवस्थाओं से सहयोग करना ये एक आवश्यकता बन जाती है। तो यहाँ पे विशेषीकरण में वृद्धि होती है, प्रत्येक को एक दूसरे की आवश्यकता होती है और प्रत्येक व्यक्ति केवल एक विशिष्ट ही कार्य ही करता है। कार्य में सभी का सहयोग से संपन्न होते हैं और इसलिए यहाँ पे परस्पर सहयोग पाया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप यांत्रिक एकता जो है वो सावयवी एकता में परिवर्तित हो जाती है। इसी तरह से राजनीतिक शासन प्रणाली जो कि सरल समाजों में या यांत्रिक एकता वाले समाजों में जो बिल्कुल सरल थी और जो भी कार्य होते थे राजनीतिक कार्य जो हैं वो सभी समूह के सभी सदस्यों के मिलकर बैठकर, उदाहरण के तौर पर पंचायत जो है वो छोटा एक उदाहरण हो सकता है, उसमें सब सर्वसम्मति से निर्णय लेते थे, जबकि सावयवी एकता वाले समाज में ये कार्य भी राजनीतिक कार्य भी विशिष्टीकृत होता चला जाता है। न्यायपालिका अपना काम करती है, व्यवस्थापिका अपना काम करती है और कार्यपालिका अपना काम करती है। इसके साथ साथ प्रशासन जो है वो अपना कार्य करता है और राजनीतिक पद जो हैं वो वंशानुक्रम द्वारा हस्तांतरित नहीं होते, पिता से पुत्र की ओर हस्तांतरित नहीं होते बल्कि अर्जित होते हैं। सरकार और नागरिकों के बीच ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पे संबंध समझौते के होते हैं। जैसे कि आपने अपने पॉलिटिकल साइंस की क्लास में भी पढ़ा होगा कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत है ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जिसमें समाज जो है वो राज्य के साथ
एक संविदा, एक समझौता करता है कि आप हमें सुरक्षा देंगे और हमारे ये कार्य, राजनीतिक कार्यों को पूरा करेंगे, जिसके बदले में हम आपको अपना सपोर्ट देंगे। हम लोग भी वोट देते हैं और उसके बदले में हम एक सरकार चुनते हैं। सरकार अगर अपना कार्य करती, अच्छी तरह से करती है, तो हम उसे दोबारा वोट देते हैं। अगर वो अपना कार्य करने में फेल होती है, सफल नहीं होती, तो हम उसके बदले में दूसरी सरकार को चुनते हैं, जो कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में बेहतर सक्षम हो। तो यहाँ सरकार और नागरिकों के बीच में परस्पर संबंध समझौते के अनुसार निर्धारित होते हैं। राजनीतिक व्यवस्था औपचारिक स्वरूप से विकसित हो जाती है। इसके अलावा आर्थिक संगठन यहाँ पे को देखें तो आर्थिक संगठन जहाँ पे यांत्रिक एकता वाले समाजों में विनिमय नहीं होता, बंद अर्थव्यवस्था होती है, वहीं सावयवी एकता वाले समाजों में खुली अर्थव्यवस्था होती है। आर्थिक व्यक्तिवाद में वृद्धि हो जाती है और प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी कार्य कुशलता के अनुसार के आधार पर व्यवसाय चुन सकता है। वहीं धर्म और विचारधारा की बात करें तो बहु ईश्वरवाद और एक ईश्वरवाद का संक्रमण हो जाता है और ईश्वर का वैयक्तिकरण और निजीकरण हो जाता है। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात, और इसे आगे चल के डर्खाइम ने विकसित इस थ्योरी को साइंटिफिक ह्यूमनिज्म को विकसित भी किया था और इस पे लेख भी लिखे थे। वो कहते हैं कि धर्म का क्षेत्र भी लघु से वृहद हो जाता है, इसका सर्वभौमिकरण हो जाता है, विश्ववाद और अंतर्राष्ट्रीयवाद को बढ़ावा मिलता है। तो स्पष्ट रूप से हम देखें कि श्रम विभाजन जो है वो यांत्रिक समाजों में और सावयवी समाजों में श्रम विभाजन अलग अलग प्रकार का होता है, और इसके हमने सारे आयामों की चर्चा करी है। कल हम फिर इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए श्रम विभाजन के कारणों की चर्चा करेंगे, साथ ही डर्खाइम की जो उद्विकास की जो थ्योरी है उसका की चर्चा करेंगे, और कॉन्सिक्वेंसेस जो श्रम विभाजन के परिणाम हैं उनकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।